नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत आज बेहद शानदार हुई है क्योंकि एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। रोशिबीना नाउरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत पदक जीता है और ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रही है, जहां रोशिबीना ने फाइनल में चीन की वु जियाओ वेई से शिकस्त मिली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक अपने नाम किया है। महिलाओं के 60 किलोग्राम में ये रजत पदक भारत के नाम हुआ है। चीन की वु जियाओ वेई से शिकस्त मिली। तो आपको बता दें कि एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक इस वक्त अपने नाम कर लिया है। सुबह की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ आज, जहां रोशिबीना नाउरेम देवी ने एक और पदक भारत के नाम कर लिया है। महिलाओं के 60 किलोग्राम में ये रजत पदक अपने नाम किया है। तो एशियाई खेलों में भारत का जो काम है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक जीत लिया है और भारत के लिए रोशिबीना नाउरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में सफलता पाई है। अब तक शानदार खेल दिखाने वाली रोशिबीना फाइनल में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन हालांकि नहीं कर पाई और उन्हें चीन की वु जियाओ के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं एशियाई खेलों में भारत का ये 8वां रजत और कुल 23वां पदक है। शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों का देखने को मिल रहा है और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर चीन के होंगजू से। गौरव, सुप्रभातम सबसे पहले आपको, और आज की जो सुबह हुई है बेहद शानदार हुई है भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो, रजत पदक अपने नाम किया गया है। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन जो कहना चाहिए कि लगातार जारी है। पहले हमने देखा कि किस तरह से शूटिंग में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लगातार हमने मेडल जो है वो कल झोली में अपने लेकर आए और अब वुशु में, तो जो नए खेल हैं उसमें भी हम अपने आप को नए तरीके से सामने रख रहे हैं, जिनमें अब तक हम केवल कहना चाहिए कि भाग लेते थे लेकिन मेडल शायद नहीं आ पाते थे, लेकिन अब उस तस्वीर में बदलाव का बयार जो है वो देखने को मिल रही है कि किस तरह से रोशिबीना देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने आप को फाइनल में पहुंचाया बल्कि फाइनल में भी उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। ये ठीक है कि वो रजत पदक उन्होंने हासिल किया है, लेकिन फिर भी जिस तरह का वो प्रदर्शन करती आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की ये खिलाड़ी है, लगातार इन्होंने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर अपने आप को साबित करती आई है, तो ये सब जो प्रभावकारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कार्य करती हैं इनके प्रदर्शन में, और यही प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके जो बड़ी स्तर की और भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी काउंट करता है। तो कह सकते हैं कि भारतीय एथलीट जो है वो हर खेल में अपने आप को सामने लाने का जो एक प्रयास है उसको जारी रखा हुआ है, क्योंकि तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से कुस्टेरियन में हमने 41 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता था, उसी तरह से सेलिंग में हमारे जो है वो मेडल्स आ रहे हैं आए, और उसके बाद किस तरह से रोइंग में हमने अपने आप को शानदार तरीके से सामने रखा। तो परंपरागत खेलों से हट करके हम बाकी खेलों में भी शानदार तरीके से सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज का ये पदक जो है वो सामने है। बिल्कुल गौरव, अगर बाकी खेलों की बात करें तो कुल मिलाकर अभी तक 23 आज के इस पदक के को मिलाकर के 23 पदक भारत के पास अभी तक आ चुके हैं, आगे और किस तरीके की उम्मीद है? देखिए आगे की अगर प्रदर्शन की बात करें तो अभी आपके बैडमिंटन में काफी सारी उम्मीदें हैं, उसके अलावा एथलेटिक्स की बात करें, कुश्ती की बात करें, वेट लिफ्टिंग की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये वो खेल हैं जहां से हम हमेशा मेडल लेकर के गए हैं। बिल्कुल, ऐसे में उम्मीदें इस बात की हैं कि क्या हम इन खेलों में अपने पिछले प्रदर्शन से आगे निकल कर जाएंगे, क्योंकि मेडल तो आएंगे ये तय है, लेकिन क्या हम इसमें इन खेलों में खुद को आगे ले जाएंगे ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस कड़ी में अगर एथलेटिक्स की अगर बात की जाए, क्योंकि एथलेटिक्स की भी प्रतियोगिताएं अब जल्द ही शुरू होने वाली हैं, तो अगर उसमें बात की जाए तो सबसे बड़ा चेहरा हम खुद जानते हैं कि नीरज चोपड़ा वहां पर है, इसके अलावा मुरली श्रीशंकर है, जैस्मिन एल्ड्रिन है, शैली सिंह है,
ये सब वो नाम है जिन्होंने लगातार अपने आप को साबित करती आई हैं। ये वो नाम है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊंचा करते गए हैं। वहीं अगर बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में भी हमें कई ऐसे स्टार्स हैं हमारे पास जिनसे हमें उम्मीद रहती है हमेशा कि वो एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक में जाकर के देश का नाम रोशन करें। और रही बात रेसलिंग की, तो रेसलिंग में हम जानते हैं कि अंतिम पंघाल जो कि अंडर 20 की विश्व चैंपियन भी हैं, उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इसके साथ ही साथ बजरंग पूनिया है, वहां पदक की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर के सामने है। तो ये तमाम जब खेल इस तरह के सामने हैं तो यहाँ पर मेडल आना तय है, लेकिन मेडल का रंग कौन सा होगा और मेडल की संख्या कौन सी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का ये जो बढ़ता हुआ कारवा है मेडल का, ये लगातार इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल गौरव, आप अपनी नजर इन तमाम खेलों पर लगातार बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि 19वें एशियाई खेलों में प्रसार भारती की टीम ने महिला क्रिकेट के प्रत्येक